हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। ये टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में 2 बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन में आपको कैसे लिखना है वो सारी बातें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये समझ देते हैं कि इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है। सो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर यानी ऐसे कंडक्टर जो इनबॉर्न हो। इनबॉर्न यानी पहले से ही वो ऐसे ही है, उसके साथ कोई मिक्सिंग की गई नहीं है, यानी कि ये सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर है। और प्योर चीज हमेशा नेचर में से मिलती है, इसीलिए हम इसे नेचुरल सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो उसके कंफिग्रेशन की बात करें जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, अब हमारे सिलेबस में तो आउटर मोस्ट शेल की ही बातें की गई है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ जो सबसे बाहर की ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ही देखना है, बाकी किसी भी शेल से मतलब नहीं है। अब अगर ये कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सिलिकॉन के पास इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा 2+2, यानी कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास। उसी तरीके से अगर जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, उसका कंफ्यूग्रेशन लिख के रखा है यहां पे। हम वापस से सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट सेल की बात करेंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में यानी 4 वाला कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब जब आप ये थियरी लिखोगे तब ये जो आप डायग्राम बनाने वाले हो क्रिस्टल का, उसमें सिलिकॉन का बनाओगे कि जर्मेनियम का बनाओगे, तो कोई भी आप बना सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों जो हमारे सेमीकंडक्टर है उसके आउटर मोस्ट सेल में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो डायग्राम मैंने सिलिकॉन के लिए बनाया है, सेम डायग्राम आप सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे हम सिलिकॉन को रेफरेंस में रख के बात करने वाले हैं। अब आप डायग्राम कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले तो आप एक क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे सिलिकॉन के एटम बता दोगे, बाद में सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी हर एक सिलिकॉन के एटम के आसपास ये ब्लैक डॉट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ दोगे, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, हर जगह 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप बता दोगे। अब सिलिकॉन जो है वो कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, और आपको पता है कि जो भी कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है वो सब एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी कि सिलिकॉन का एक एटम उसके नियर बाय एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कैसे? ये एक सिलिकॉन का एटम है, वो उसके नियर बाय जो एटम है उसके साथ कितने वैलेंस बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, उसी तरीके से ये सिलिकॉन है वो खुद के नियर बाय एटम के साथ कितने कोवेलेंस बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, ये सारे इसने वैलेंस बॉन्ड बना दिए। यहां पे भी आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहां पे कोई सिलिकॉन हो सकता है, यहां पे देख सकते हो 1 2, यहां पे कुछ होगा, यहां पे कुछ होगा, यानी 4, यानी हर एक सिलिकॉन एटम उसके नियर बाय एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डायग्राम बना के रखा है हमने वो 0 केल्विन पे बनाया है, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे बनाया है। एब्सोल्यूट यानी टेम्परेचर इन केल्विन, 0 तो यहां पे लिख के रखा है। अब ये डायग्राम बनाने के बाद आप पॉइंट वाइज सारी चीजें डिस्कस करोगे। कैसे? तो यहां पे मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख के रखा है कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर, यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पे ये जो सेमीकंडक्टर है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा नहीं। अब कैसे नहीं होने देगा वो समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के लिए बनाया गया है। अब ये डायग्राम में से
हम क्या बोल सकते हैं कि इसके पास कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैं बोलूंगा एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर है, यानी कि ये सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे अभी प्रेजेंट है, ये अभी वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, इसलिए ये सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सो जिसकी वजह से जीरो डिग्री केल्विन पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हम क्या बोल देंगे कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में मौजूद है, जिससे करके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी नहीं, जिससे करके जीरो केल्विन टेम्परेचर पे ये जो हमारा सिलिकॉन है या जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टेम्परेचर इफेक्ट। अब टेम्परेचर इफेक्ट यानी क्या कि ये जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है उस पे आपने कुछ हीट दिया, यानी कि कुछ टेम्परेचर दिया इसको, तो हीट देने पे क्या होगा, अब सपोज करते हैं ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड रहा नहीं अभी, तो यहां पे मैं ये बॉन्ड निकाल देता हूं। क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि हमने ये सिलिकॉन के क्रिस्टल को कुछ हीट दी, कुछ टेम्परेचर दिया, जिससे करके एक बॉन्ड सपोज ब्रेक हो गया। अब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ये दोनों में से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। सपोज करते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फ्री हो गया, यहां पे आ गया। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया वो वैलेंस बैंड में था पहले, अब हीट देने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ने खुद ने हीट ले ली और हीट लेके फ्री हो गया। फ्री हो गया यानी अब ये कहां चला गया, ये कंडक्शन बैंड में चला गया। अब ये कंडक्शन बैंड में चला गया, इसका मतलब अब इसके पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिससे करके अब ये जो सेमीकंडक्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकेगा। ठीक है, अच्छा तो अब क्वेश्चन आएगा कि सर कितना टेम्परेचर इसका बढ़ाए जिससे करके बॉन्ड ब्रेक हो जाए, जिससे करके एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। तो उसका आंसर सिंपल है कि रूम टेम्परेचर पे ये बात बन जाएगी। रूम टेम्परेचर यानी कितने, 300 केल्विन बोल लो या 27 डिग्री सेंटीग्रेड बोल लो। अब रूम टेम्परेचर पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है इसे हम बोलेंगे थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि यहां पे थर्मल एनर्जी दी थी हमने और वो ये इलेक्ट्रॉन ने ले ली, बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे पहुंच गया। ठीक है, अच्छा तो यहां पे अब क्वेश्चन आएगा कि रूम टेम्परेचर पे कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो उसका आंसर ये है कि 10^29 एटम अगर आपके पास है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। रूम टेम्परेचर पे एक ही बॉन्ड ब्रेक होगा 10^29 एटम में से, यानी क्रिस्टल के अंदर तो बहुत सारे एटम है, तो 10^29 में से एक ब्रेक हुआ, 10^29 में से दूसरा ब्रेक हुआ, यानी निग्लिजिबल बॉन्ड ब्रेक होंगे, जिससे करके निग्लिजिबल इलेक्ट्रॉन थर्मली जनरेट होंगे, जिससे करके बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिससे करके रूम टेम्परेचर पे ये जो सेमीकंडक्टर है उसका कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम होगा। अब ये एक ड्रॉबैक है इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का, जो मैंने लास्ट में लिख के रखा है। ड्रॉबैक क्या है कि एट अ रूम टेम्परेचर वेरी मच निग्लिजिबल बॉन्ड्स आर ब्रोकन, ड्यू टू दैट वेरी मच लेस इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री, so that in the conduction band very much less electrons are present, so that at room temperature its conductivity is very very less, that is the drawback of this intrinsic semiconductor। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। अब रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यानी क्या कि पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां पे था, यहां से यहां थर्मली फ्री हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचा तब ये इलेक्ट्रॉन ने यहां पे एक होल छोड़ दिया, यहां पे एक होल छोड़ दिया, होल यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज। अब आप बोलोगे होल कहां से आया सर, तो उसका आंसर सिंपल है कि हमें पता है कि कोई भी क्रिस्टल हम लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी क्या,
क्रिस्टल के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जितने नेगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो हम देख लेते हैं, तो सपोज करते हैं ये एक होल है, होल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हीट दी, यहाँ पे हमने कुछ हीट दी, जिससे करके ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ पे आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहाँ पे एक होल छोड़ के चला गया। अब क्वेश्चन आएगा कि होल क्यों नहीं ऊपर जाता, तो उसका रीजन ये है, मास जो है होल का वो इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में बहुत ज्यादा है, जिससे करके इसका एक्सेलरेशन जो है इलेक्ट्रॉन की कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि हमें पता है F इज इक्वल्स टू एम ए, सो ए इज इक्वल्स टू एफ बाय एम, यानी इसका मास ज्यादा है होल का तो एक्सेलरेशन कम होगा, इसलिए ये होल मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक। अच्छा, अब जब ये थर्मली फ्री इलेक्ट्रॉन फॉल बैक कर जाएगा ये होल के अंदर, तब ये प्रोसेस को हम बोल देंगे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। यानी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस यानी क्या, द फॉल बैक ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द होल इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेशन का भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, यानी क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतने ही होल बनते जाएंगे। जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ एक होल छोड़ के गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ दूसरा होल छोड़ के गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तीसरा होल छोड़ के गया, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ होल बनते जाएंगे। तो हमने लिख लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल। अब कॉमनली दोनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल सेम है, तो कॉमनली इसे हम Ni लिख देते हैं, जिसे बोलते हैं इंट्रेंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी डेंसिटी हम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाद में ये दो इक्वेशन आपको लिखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ये दोनों इक्वेशन हम अलग वीडियो में डिराइव करेंगे, जो भी एग्जामिनेशन में आपको पूछते हैं 7 मार्क्स के लिए। तो इक्वेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वेशन एनसी। एनसी मींस क्या, एनसी यानी इफेक्टिव डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड, या फिर बोल लो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन कंडक्शन बैंड। ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ईएफ यानी फर्मी लेवल एनर्जी, ईसी यानी कंडक्शन बैंड एनर्जी, के यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर या टेम्परेचर बोल लो, उसी तरीके से नंबर ऑफ होल बोल लो या डेंसिटी ऑफ होल बोल लो। एन वी मीन्स वॉट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट इन वैलेंस बैंड। EV यानी वैलेंस बैंड की एनर्जी, EF यानी फर्मी लेवल की एनर्जी, K यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, करंट इन सेमीकंडक्टर। करंट इन सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू करंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू द होल। अब ये क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब हमने कुछ हीट दी इसे वैलेंस बैंड को, तब क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हो गया, जिससे करके इलेक्ट्रॉन थर्मली फ्री हो गया। तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, यहां पे एक होल बता देता हूं। उसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, वापस होल आ गया। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये वाला जंप कर गया, वापस होल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं। सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये डायरेक्शन में लगाई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये डायरेक्शन में लगाएंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज जो है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देंगे। अब हमें पता है करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी करंट का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से हुआ है, इसीलिए हम बोल देंगे करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, अब होल की बात करें तो होल में क्या करेंगे, यहां पे मैं एक वैलेंस बैंड बना देता हूं, दूसरी एक फिगर बना देता हूं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगाई है तो होल यानी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पे कहां फोर्स लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी होल नीचे आएंगे। सो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए जो कि ऊपर जा रहे हैं, यहां पे होल आ गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए।
और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस है, तो अब क्या होगा, होल सबसे लास्ट लाइन में चले जाएंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। यानी यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे होल का मोशन डाउनवर्ड्स है। अगर होल का मोशन डाउनवर्ड्स है, पॉजिटिव चार्ज का मोशन डाउनवर्ड्स है, तो करंट बनेगा वही डायरेक्शन में। क्यों? हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो का ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नीचे की डायरेक्शन में है, तो करंट भी नीचे की डायरेक्शन में बनेगा ड्यू टू द मोशन ऑफ होल, ठीक है। अब करंट जो इलेक्ट्रॉन से बन रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और करंट जो होल से बन रहा है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो IE प्लस IH बोल सकते हैं, जो कि टोटल करंट बनाएगा ये हमारे इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट की बात करें तो ड्रॉबैक ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, क्या कि एट अ रूम टेम्परेचर वेरी मच लेस बॉन्ड विल बी ब्रोकन, बहुत ही कम बॉन्ड टूटने वाले हैं, जिससे करके बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे, जिससे कारण इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम है रूम टेम्परेचर पे। अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आया। अब ये जो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है वो हम अपकमिंग वीडियो लेक्चर में देखेंगे, तो इस टॉपिक में आपको यहां तक लिखना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।